गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 क्लास 4 की EVS बुक का, जो कि पेज नंबर 49 पर है, उसको पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसको टेस्ट के बारे में पढ़ा था वोटर के, है ना। अब यहाँ पर इस पेज को आप निकाल लीजिए फटाफट से। चलो, व्हाट डज वोटर टेस्ट लाइक, वाटर का टेस्ट कैसा होता है। यू माइट हैव टेस्टेड द वाटर ऑफ वेल्स, वेल्स यानी कुओं का, ट्यूब वेल्स का, और टैप वाटर यानी कि नल का पानी, ये सारे तुमने चखे होंगे, टेस्ट किया होगा। वाटर हट यानी कि प्याऊ, वाटर हट प्याऊ, एंड बोटल्ड वाटर, बोटल का वाटर, बोटल यानी बोटल का वाटर, उसको भी हमने चखा हुआ है। वी ओपन से दैट द टेस्ट ऑफ वाटर ऑफ द वेल और सबमर्सिबल पंप इज नॉट गुड, और वाटर ऑफ द सिटी नॉट गुड, डज वाटर हैव एनी टेस्ट। देखो, हम बहुत सी बार ऐसा कहते हैं कि इस सबमर्सिव पंप यानी कि इस ट्यूबवेल का वाटर गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, या फिर इस कुएँ का अच्छा नहीं है, या फिर इस कुएँ का अच्छा है, इस तरह की बात हम करते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट हमको अलग अलग लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम अलग अलग टेस्ट की बात बोलते हैं। इसका मतलब वाटर का भी कुछ ना कुछ टेस्ट होता होगा, तभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये वाटर का टेस्ट अच्छा है और यहाँ के वाटर का टेस्ट अच्छा नहीं है। देखो, इस बात के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और आंसर का पता लगाते हैं। आस्क योर पेरेंट्स टू प्रोवाइड यू एनी कंटेनर मेड ऑफ कॉपर, कॉपर यानी तांबा, तांबा जो ऐसा लाल कलर का होता है, ज़्यादातर हमारे घर में उसका एक लोटा होता है जिसे हम पीने की जगह पर रखते हैं। तो अपने पेरेंट्स से पूछो, प्रोवाइड यू तुम्हें प्रोवाइड कराने के लिए, देने के लिए, प्रोवाइड यानी देने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, कंटेनर यानी कि बर्तन, मेड ऑफ कॉपर, कॉपर का बना हुआ बर्तन देने की तुम्हें अपने पेरेंट्स से बोलनी है। गेट इट क्लीन्ड थ्रोली, इसको क्लीन करना है, थ्रोली इसको साफ करेंगे। वॉश इट विथ ऑर्डिनरी वाटर, ऑर्डिनरी यानी सामान्य वाटर से इसको धोएंगे। देन फिल इट विथ पोर्टेबल वाटर, उसको पोर्टेबल वाटर से भरेंगे, यानी कि जिसको हम पीते हैं उस मटकी के पानी को, उसको भर देंगे। अब उसको हम क्लीन करके भर लेंगे, है ना, ऑर्डिनरी वाटर से उसको भरेंगे। फिर उसको कवर इट एंड लीव इट एज सच ओवर नाइट, उसको कवर कर देंगे यानी कि ढक देंगे, और लीव एज सच ओवर नाइट, उसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। वाटर गुड फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर किसको बोलते हैं ये बताया है कि ड्रिंकिंग के लिए जो गुड है, पीने के लिए जो गुड है, उसे पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। ड्रिंक दिस वाटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो वाटर हमने उस तांबे के, उस कॉपर के बर्तन में भरा है, उसको नेक्स्ट डे आपको पीना है, ठीक है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन टेस्ट, फाइंड यानी मिलना, चेंज यानी बदलाव, टेस्ट में कोई अंतर आता है क्या। डज इट हैव द सेम टेस्ट, क्या इसका टेस्ट सेम है, दैट यू आर पोर्टेबल वाटर, क्या तुम्हारे पोर्टेबल वाटर से इसका टेस्ट सेम है। देखो, इसका टेस्ट बदल जाएगा, क्योंकि जो कॉपर होता है वो उसमें थोड़ा सा घुल जाता है, जिससे उसका टेस्ट बदल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्योर वाटर एक्चुअली हैज़ नो टेस्ट एट ऑल, नो टेस्ट, नहीं टेस्ट ही होता उसका कुछ भी एट ऑल, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। जो प्योर वाटर होता है उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। वी कैन से डैट वाटर इज टेस्टलेस, टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन, स्वाद जिसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, वाटर ऐसा है। एक्चुअली वी फाइंड डिफरेंट टेस्ट इन टैप वाटर, ग्राउंड वाटर, बॉटल्ड वाटर, ड्यू टू मिनरल्स एंड सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द वाटर। मिनरल्स यानी कि नमक, अलग अलग तरह के नमक होते हैं, और सब्सटेंसेस यानी कि अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की मिट्टी का मात्रा, इनके उसके डिसॉल्व, इसमें घुल जाने से अलग अलग टेस्ट आता है। किसी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़मीन में से नमक उसमें ज़्यादा आ जाता है तो वो खारा लगने लगता है ना, और किसी में नमक की मात्रा ठीक होती है तो वो अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके से उसका टेस्ट अलग अलग हमको लगता है। इन द कंटेनर मेड ऑफ कॉपर, कंटेनर यानी कि बर्तन, मेड ऑफ कॉपर, कॉपर के कंटेनर में, द टेस्ट ऑफ वाटर चेंज, उसका वाटर का टेस्ट चेंज होता है। बिट ड्यू टू कॉपर आयंस, कॉपर के आयंस उसमें घुल जाते हैं, आयंस है ना, वो उसमें घुल जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। यूज़ ऑफ वाटर केप्ट इन कॉपर कंटेनर इज कंसिडर्ड गुड फॉर वंस हेल्थ, कैप्ट यानी रखना, कॉपर कंटेनर, कॉपर कंटेनर यानी कि तांबे का बर्तन, कंसिडर्ड यानी कि उसकी सलाह दी जाती है और उसको बताया जाता है, गुड यानी अच्छा, यानी कि पीने के पानी को यदि हम
कॉपर के बर्तन में रख कर पियेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म, यानी कि वाटर उसकी फॉर्म यानी कि उसका आकार आकृति उसकी गुण को बदल सकता है कि नहीं ये हम देखते हैं। ड्रॉ लाइन्स अराउंड योर हैंड एंड मेक हैंड प्रिंट ऑन शीट ऑफ ब्राउन पेपर। नाउ वॉश योर हैंड विथ वाटर। देखो, अपने हैंड को इस तरीके से, हाथ को किसी ब्राउन पेपर पर रखकर हम उसके आसपास एक लाइन खींचते हैं। तो अपने हैंड के आसपास इसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको वॉश विथ वाटर, उसको वाटर से धोएंगे और फिर क्या करेंगे, प्लेस द वेट हैंड ऑन द पेपर। उस गीले हाथ को उस पेपर पर रखेंगे। इनसाइड द आउटलाइन एंड हैंड प्रिंट ऑब्जर्वेशन, द हैंड प्रिंट फॉर्म्ड बाय वाटर। तो उसके ऊपर जब हम रखेंगे तो वाटर से जो नया हैंड प्रिंट बनता है उसको देखेंगे। लीव दिस एज सच 2 आवर्स एज रूम टेम्परेचर, इसको 2 घंटे तक रखेंगे। वाट डू यू सी आफ्टर 2 आवर्स, वाट हैपन टू द हैंड प्रिंट, उस हैंड प्रिंट के साथ क्या होता है। वेयर डिड द वाटर गो, वाटर कहाँ चला गया। सिंपली द वाटर चेंज इन टू वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी कि भाप, वो भाप में बदल गया। ये बात सिंपल है। द चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इन टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन। इवेपरेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें लिक्विड वाटर वाटर वेपर में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से जो ऊपर भाप निकलती है तो इस चीज़ को इवेपरेशन कहते हैं, है ना, यानी कि वाटर का इवेपरेट होना यानी कि उसका भाप में बदलना। यू कैन डू वन मोर एक्टिविटी, तुम एक एक्टिविटी और कर सकते हो। एक्टिविटी यानी कि काम, वन मोर यानी कि एक और। टेक टू सेम साइज्ड टम्बलर्स, 2 सेम साइज के टम्बलर्स लो, फिल इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन दीज, उनके अंदर बराबर पानी भर देते हैं। पुट बोथ ऑफ दीज टम्बलर्स इन अ सनी प्लेस, उनको एक धूप वाली जगह पर रख देते हैं। पुट द लिड अ प्लेट ऑन द कंटेनर, उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे एक के ऊपर। मार्क द लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर को अपन मार्क कर देंगे बाय अ ग्लास मार्कर पेंसिल, उसको मार्कर या पेंसिल से, ग्लास मार्कर या पेंसिल से उस पर निशान लगाएंगे। लीव द सेट अप टू फ्यू हावर्स, इसको कुछ घंटे तक रख देंगे। वाट डू यू नोटिस, तुम क्या नोटिस करते हो। वेयर हैज द वाटर, हम ये ट्राई कर रहे थे कि कैसे वाटर को हम ढक कर रखते हैं तो क्या होता है। तो ढक कर रखने पर क्या हुआ कि वाटर कम उड़ता है, और जबकि खुला रहता है तो वाटर भाप बनकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि वाटर भी वेपर में बदल जाता है और ऊपर चला जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर टेक ए कप ऑफ एंड अ प्लेट, कप और प्लेट लेते हैं। पुट इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस, इक्वल यानी बराबर अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों बराबर वाटर भर देते है ना। नाउ पुट दिस अंडर सन, सन के नीचे, अंडर यानी नीचे, फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। व्हाट यू सी आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद आप क्या देखते हैं। व्हाट हैपन टू द वाटर कप और एंड प्लेट, तो कप और प्लेट के साथ क्या होता है। हाउ मच वाटर लेफ्ट इन ईच अदर, इन दोनों में कितना वाटर बचा, लेफ्ट यानी बचा। व्हाट मे बी कॉज द डिफरेंस बिटवीन इन अ प्लेट, मोर एरिया एक्सपोज टू इवेपरेशन, है ना। प्लेट में क्या होता है, मोर एरिया होता है, ज़्यादा एरिया होता है एक्सपोज, दिखने वाला, ऊपर रहने वाला, एक्स इवेपरेशन के लिए, उड़ने के लिए। इट क्लियरली शोज दैट इवेपरेशन ऑफ वाटर अफेक्टेड बाई एरिया ऑफ वाटर सरफेस, तो मतलब क्या होता है कि प्लेट में ज़्यादा पानी उड़ेगा कंपेयर्ड टू ग्लास में, क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया में वो फैल गया है तो ज़्यादा जगह उसको उड़ने के लिए मिल जाती है, इस वजह से ज़्यादा उड़ता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पार्ट को पढ़ना और इसमें दिखाई गई बातों को ट्राई करके देखना एक बार घर पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।